महाभारत के रण का अर्जुन रण में खरा उतरा था, मगर इस रण क्षेत्र में अर्जुन आपके भरोसे इलाके और इनेलों के लिए खरा उतरेगा। जी हाँ, गांव प्योदा में अर्जुन चौटाला व रामपाल माजरा का हुआ भव्य स्वागत। सैकड़ों लोगों ने इनेलों में शामिल होने का किया ऐलान। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। 12 मई को हरियाणा में होने वाले चुनाव में इनेलो की ओर से ओम प्रकाश चौटाला के प्रत्याशियों के तौर पर कुरुक्षेत्र से अर्जुन चौटाला को उतारा है। अर्जुन चौटाला ने अपील की है कि चश्मे का बटन दबा करके उन्हें जिताया जाए। उन्होंने कहा कि इनेलो को मजबूत बनाने का काम करें। कई लोग ऐसे आएंगे जो खत्म होने से पहले कहेंगे कि यो छोरा नया है, इसमें क्या बात है। लेकिन इतना ज़रूर बता दूँ कि आपकी समस्याओं को हल होने में समय नहीं लगेगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अर्जुन चौटाला ने दर्जनों गांव का दौरा किया और जनसभाओं को संबोधित किया, जहां पर भी वे जाते युवाओं से आह्वान करते और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का संदेश सुनाते। उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि इनेलो परिवार में पुराने रिश्ते हैं जिन्हें कभी भूलियो मत, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो 3 से 4 पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। उस समय भी चौधरी जननायक देवीलाल जवान होते थे। कई परिवार ऐसे हैं जो 5-6 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। इन लोगों से हमारा पारिवारिक रिश्ता हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब जब संसद में बोलने का अवसर मिलेगा तो मैं आपकी बात, आपकी रोजगार की बात उठाने का काम करूँगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की खास रिपोर्ट। अर्जुन के नाम मेरा अर्जुन है और रणभूमि मेरी कुरुक्षेत्र। एक और इत्तेफाक मेरे को एक मेरे साथी ने बताया, मैंने 23 तारीख को अपना नॉमिनेशन बना था और 23 से लेकर 12 तक यानी 11 तक अगर मैं अपना लास्ट घूमता हूँ तो 18 दिन का ये मेरा इलेक्शन होता है, 18 दिन का ये मेरा रण होता है, 18 दिन का ही महाभारत था। तो मैं तो अपने आप को किस्मत का बहुत धनी मानता हूँ और साथ ही साथ इस चीज़ से भी मैं तो बहुत अपने आप को खुश किस्मत मानता हूँ कि जहाँ जहाँ जा रहा हूँ साथियों का मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है, मेरे युवा साथियों का बहुत साथ मिल रहा है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। आपने कहा विरासत में मिलती है राजनीति, लेकिन बात विरासत की नहीं आती, बात ये आती है कि आप उस विरासत का क्या करें। विरासत में राजनीति मिलना तो मेरी किस्मत है, उस राजनीति के साथ में क्या करता हूँ, उसको बढ़ाता हूँ या आगे बढ़ाता हूँ, वो मेरी मेहनत है। ने कहा जी विरासत किसी की नहीं होती और जननायक चौधरी देवीलाल जी की विरासत किसी की नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर की है। जो इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर कहेगा, जिस दिशा में इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर जाएगा उसी दिशा में चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल की विरासत जाएगी। जो लोग विरासत की बात करते हैं, जो लोग आज समाज के नहीं हुए अपने साथियों की नहीं हुए, वो किस विरासत की बात करते हैं।